वेलकम टू अकेडमिक करियर एवरीवन। आज मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ ट्रिपल सी के बारे में। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, ट्रिपल सी होता क्या है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, व्हाट इज अ ट्रिपल सी कोर्स, ट्रिपल सी कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहता है, ट्रिपल सी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या रहती है, ट्रिपल सी कोर्स की फीस क्या रहती है, और ट्रिपल सी जो कोर्स है वो कौन कौन कर सकता है। ये जो कोर्स है वो इसका गवर्नमेंट जॉब से क्या रिलेटेड है। तो गवर्नमेंट जॉब्स का मतलब ये हो गया कि जो कोर्स आप ट्रिपल सी करते हो ना, तो ये जो गवर्नमेंट जॉब्स के आप फॉर्म फिल्स करते हो, फॉर एग्जाम्पल लेखपाल वगैरह के एग्जाम्स आते हैं और भी एग्जाम्स होते हैं हमारे, तो ऐसे लेवल्स के, तो उसमें आपका जो बेसिक आपको अगर कोर्स मांगा जाता है तो उसमें ट्रिपल सी जरूर मांगा जाएगा। वन ईयर के लिए आपको मांगा जाएगा कोर्स, तो आपका ओ लेवल मांगा जाएगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन, आप ट्रिपल सी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब अच्छे से आपको देखने के लिए आगे कंटिन्यू आप वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिसमें मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी और भी कोर्सेस रिलेटेड कि आप कैसे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, इंस्टीट्यूट्स के थ्रू एंड डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। तो ट्रिपल सी के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द ट्रिपल सी, ट्रिपल सी जो है एक कंप्यूटर कोर्स है, बेसिक जो आनर्स ऑफिस होता है उसकी नॉलेज के बेस का इसका जो कंप्यूटर कोर्स रहता है। इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। और ये जो कोर्स है वो आपका इंस्टीट्यूट से तो आपको करते ही हो, पर एक ये गवर्नमेंट सोसाइटी है वो इस सर्टिफिकेट्स को प्रोवाइड्स कराती है, जिसको हम बोलते हैं नाइलेट सोसाइटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स। इस सोसाइटी पे हमें अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, पूरा फॉर्म फिल करना होता है, फिर ही हम इसका एग्जाम क्लियर करते हैं। एग्जाम भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, जब आप इसको फिल करते हो तो आपको एग्जाम ऑनलाइन देना पड़ता है, क्वेश्चन वगैरह आते हैं, तब आप जब क्लियर कर लेते हो तो आपको ग्रेड्स में इसका आपको मार्क्स प्रोवाइड्स होते हैं। तो ये एक सोसाइटी के अच्छा कोर्स रहता है, अफोर्डेबल प्राइस में रहता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ट्रिपल सी के कोर्स के ड्यूरेशन क्या रहती है। अब ट्रिपल सी के ड्यूरेशन की बात हो रही है तो आप ये सोचेंगे कि कितने मंथ्स में होता है, या 3 मंथ्स ड्यूरेशन हमें पता है, इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो कहते हैं 3 मंथ्स में आपको करना है। पर एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आप 3 मंथ्स में तो करते हो, अगर आपका थोड़ा सा कंप्यूटर में नॉलेज अच्छा है, आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, तो आप 1.5 मंथ, 1 से 1.5 महीने में भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो ट्रिपल सी कोर्स है उसके जो फॉर्म्स है हर मंथ आपको फिल होते हैं। ईयर में आप 12th बार इसको फिल कर सकते हो, ये नहीं है कि वन टाइम ही आपको करना ईयर में, नहीं, आप इसको हर साल में हर मंथ आप इसको डाल सकते हो। 1.5 मंथ बिफोर आपको इसको एग्जाम को फिल करना होता है। अगर आप इंस्टीट्यूट्स के थ्रू करते हैं तो 3 मंथ्स लगेगा, अगर आप डायरेक्ट्स करते हैं तो 1.5 मंथ्स में कर सकते हैं, बट पेशेंस अच्छे से करनी होगी। प्रिपरेशन का मतलब है आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी इसके लिए। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रिपल सी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या रहती है। 10th क्वालिफाई मैंने लिख दिया है, बट ऐसा कुछ नहीं है, नॉट रिक्वायरमेंट्स, कोई एज लिमिट्स नहीं है, कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, मतलब आप 8th करे हुए हैं, 9th करे हुए, आप ट्रिपल सी कोर्स कर सकते हो। नो मिनिमम एज कोई नहीं है, मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, ट्रिपल सी कोर्स कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो कोर्स है उसका फीस क्या रहता है। अब आपको इतना तो क्लियर हो गया ट्रिपल सी होता क्या है, आपको ये भी क्लियर हो गया कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम फीस की बात करते हैं, आपका एज वगैरह भी आपको क्लियर हो गया। फीस की बात करते हैं तो ट्रिपल सी कोर्स का रजिस्ट्रेशन फीस रहता है 500, मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो 500 प्लस जीएसटी चार्ज रहता है, यही आपका फॉर्म फीस भी रहता है। इसमें जीएसटी चार्ज जो भी लगेगा वो गवर्नमेंट की तरफ से रहता है, कम बढ़ता होता रहता है। नेक्स्ट आपका ट्रिपल सी कोर्स की जो फीस रहती है इंस्टीट्यूट के थ्रू 3000 लेते हैं, कहीं 2000 लेते हैं, तो वही है ट्रिपल सी जी की कोर्स है जो इंस्टीट्यूट के थ्रू आप करते हैं तो 3000 और डायरेक्ट करते हैं तो 5000। और यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है ये इंस्टीट्यूट्स के थ्रू हो जाएगा, डायरेक्ट आप नए सोसाइटी पे जाइए और वेबसाइट्स पर जाइए, वहां पर रजिस्ट्रेशन करिए, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे फिल करना है ये इन्फॉर्मेशन भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस के ऊपर हम लेके आएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन। अभी मैं सिर्फ ट्रिपल सी के बारे में बता रही हूँ, ये बहुत अच्छा कोर्स रहता है बेसिक नॉलेज के लिए, और ये कोर्स बेसिक से अगर आपको कंप्यूटर सीखना है तो आप ये कोर्स जरूर करिए। अगर आप बेसिक कोर्स करते हैं जैसे डीसीए डीसीए, उसके बेनिफिट्स में
ये ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपका अगर इनके सब गवर्नमेंट्स की भी तैयारी करते हो, गवर्नमेंट्स जो जॉब्स की, तो ये कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिट्स रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका यहाँ पे कॉन्टेक्ट का, सब मुझे कर लीजिएगा, कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज हो मेरा फॉर्म फिल करिएगा वेबसाइट्स पे, कॉन्टेक्ट अस का सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन एंड नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।